तो हुआ ऐसा कि जब हम रात को निकल रहे थे तब बहुत ज़ोर से बारिश हो, स्टेशन पहुँचे वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था 9:30 बजे, और समर पार्क नहीं कर पाया तो हम लोग को वहीं पर उतरना पड़ा स्टेशन। तो वहाँ पर पहुँचे तो ट्रेन आई नहीं थी और कूली वाला ऐसे रख के मेरे को चला गया। तो फिर ट्रेन आई 10:30 बजे, तो ट्रेन एकदम टाइम पे थी तो हम खुश हो गए। हम सोचे कि सबकी ट्रेन रुक रही है, बस मेरी ट्रेन है जो टाइम पे आई है। बैठ गए ट्रेन पे, खाए खूब खाए, ट्रेन में बैठते साथ केक लेकर गए थे बहुत बड़ा सा, फिर चिकन फ्राइड राइस भी, कोल्ड ड्रिंक और बहुत चिप्स ये वो बहुत कुछ लेकर गए थे। सब खत्म हो गया 2 घंटे में। हम लोग सो गए, सोने के लिए रेडी हुए कि हाँ चल अब सो जाते हैं। तो 12 बजे जाके नडियाद में गाड़ी रुक गई। तो हम लोग सोचे क्यों रुकी है, ऐसे रुकी होगी। रुकते 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 2 बज गए। फिर हम बच्चों को सुला दिए, फिर पता चला कि 4 बजे तक यहाँ से हिलेगी नहीं गाड़ी, क्योंकि नर्मदा का पानी ट्रैक पे टच हो रहा है, रेलवे ट्रैक। तो फिर समझ में आ गया कि अब नहीं चलने वाली है, यहीं रुकने वाली है। तो और पता नहीं था वैसे उस टाइम पे कि कौन सा स्टेशन है ये, वो तो सुबह पता चला मेरे को, वरना अगर पता होता तो हम उसी टाइम पे उतर जाते। तो चीकू बोला कि अरे मम्मी उठो, हम लोग आ गए हैं मौसी घर। तो हम लोग देखे कि ये गाड़ी तो हिली नहीं रही है, वहीं पर खड़ी हुई है, देखे चेक किया नडियाद है नहीं। मेरे को लगा आनंद है, तो हम फ़ोन किए समर को, समर का फ़ोन स्विच ऑफ, भाभी को फ़ोन किए, तो भाभी समर से बात करवाई, फिर भाभी कोऑर्डिनेट की अपने भाई के साथ, तो बोली कि वो आनंद खड़ी है तो वहाँ से उसको पिक कर लो। अब उनके फैमिली वालों का कॉल आने लगा मेरे को कि हम लोग लेने आ रहे हैं, फिर मेरे को पता चला कि ये तो आनंद है ही नहीं, ये तो नडियाद है। फिर अब भाभी फ़ोन करने लगी नडियाद वाले फैमिली को, फिर वो मेरे को तुरंत पहुंच गए 5 मिनट में रेलवे स्टेशन लेने। अभी तो हम किसी को बोले नहीं थे कि मेरे को लेने आओ या मेरे को जाना है कि अभी हम क्या करें, कुछ कोई डिस्कशन नहीं, बस हम बोले कि रुकी है गाड़ी, तो वो लोग इतने पैनिक किए कि मेरे को लेने पहुंच गए। फिर हम उतर के चले गए उनके साथ घर। तो रात भर जो हम गपास्टिंग किए हैं वो आंटियों के साथ, और वहाँ पर और एक भी लड़की थी उसका नाम भी श्वेता था उसके साथ, तो सब पुणे और अहमदाबाद के थे। तो रात को हमने अपना नंबर एक्सचेंज किया था एक दूसरे के साथ। तो जब भी हम वहाँ पर पहुँच गए और हम नाश्ता कर रहे थे, तो उनका फ़ोन आया मेरे को कि गाड़ी चल रही है। फिर तो हम बोले कि अब तो कैसे आऊँ, और क्या पता आगे जाके रुक गई। तो बोली कि वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है, पर गाड़ी स्टार्ट हो गई, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। तो फिर हम समर से बात किए, समर मेरे को बोला नहीं ये वो, तो फिर हम समर को डांटे कि आ जाओ मेरे को लेने। तो फिर वो निकला वहाँ से लेने के लिए। जैसे वो निकला तो वो बोली हम लोग आनंद पहुँच गए हैं और ये गाड़ी अब पुणे ही जा रही है। तो हमको लगा यार मेरी तो गाड़ी मिस हो गई ना अब। तो हम बोले कितना टाइम रुकेगी, तो बोली आधा एक घंटा रुकेगी ये। तो हम ऑटो में नडियाद से आनंद पहुँचे बहुत स्पीड में, और जैसे हम आनंद पहुँचे ना तो गाड़ी निकल गई। फिर हम बस स्टैंड गए, वापस से रेलवे स्टेशन गए कि कुछ तो मेरे को ऐसा मिल जाए कि हम पहुंच सके नेक्स्ट स्टॉप तक, विद 2 बेबीज, हाँ एंड बिग लगेज आल्सो। फिर मेरे को पता चला कि वासड़ एक स्टेशन है छोटा सा, वहाँ पर रुकी है, वो भी आनंद से आधे घंटे का रास्ता था। तो हम वहाँ के लिए निकले। अब हम कैब करके निकले क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि ऑटो में निकले थे तो छूट चुकी थी ट्रेन, तो अब हम कैब करके निकले। जैसे वासड़ पहुँचे तो वहाँ से गाड़ी फिर से निकल गई। अब क्या करें, अब हम वहाँ से बड़ोड़ा पहुँचे। जैसे बड़ोड़ा पहुँचे, स्टेशन पहुँचे और कूली की, और जैसे स्टेशन में हम पहुँचे ना अंदर प्लेटफॉर्म पे, तो गाड़ी मेरे आंखों के सामने से जा रही थी। फिर मेरे को आ गया रोना, हमले यार जहाँ भी पहुँच रहे वहाँ से गाड़ी निकल जा रही है। तो हम कोऑर्डिनेट किए टीटी के साथ, जो मेरे दुरंतों में जो टीटी था उसके साथ। कैसे कोऑर्डिनेट की, नंबर था उसका? नहीं, वो जो वहाँ पर जितने भी लेडीज लोग थी उनका नंबर हम एक्सचेंज कर चुके थे, साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और वो बेचारे लोग हर स्टॉप में टीटी से चेन खिंचवा रहे थे कि वो आ गई है, वो आ गई है, वो आ गई है। मतलब वहाँ के उस पूरे दुरंतों के 3 टीटी थे, तीनों टीटी को मेरी स्टोरी नडियाद से पता थी
स्टेशन पे आ रहे हैं। और टीटी बोल रहा था पर वो उतरी ही क्यों, दो बच्चों के साथ वो उतरी ही क्यों। फिर ठीक है, फिर वो टीटी मेरे को बोला आपके बाजू में एक ट्रेन खड़ी है उसमें फटाफट बैठ जाओ आप, वो बॉम्बे जाने वाली है, तो टिकट विकेट ये वो पहले कुछ ना, बस बैठ जाओ फटाफट, नहीं तो वो भी निकल जाएगी। वो गाड़ी के पास जैसे हम पहुंचे ना, तो वो गाड़ी ऐसे चलने लगी, और एक और मेरे साथ कूली था, कूली ने बैग रखा और हम बेबी को ऐसे झटके से उठा के दौड़ के चढ़ गए पूरे चलते हुए ट्रेन में। हम कौन सी ट्रेन थी वो? उसका नाम ही गरीब था, गरीब रत्न, ठीक है, मुंबई की ट्रेन थी, तुम चढ़ गए। फिर और वो कितने बजे की ट्रेन थी वो सब मेरे को नहीं आईडिया। तुम कितने बजे चढ़ी? अबे इतना याद नहीं है यार, हम एक्चुअली इतने स्टेशन घूम चुके थे कि हमको टाइम टेबल किसी का कुछ खबर नहीं था, बस मेरे को ये पता था कि मेरे को किसी भी स्टेशन से दुरंतो पकड़ना है। अभी हर स्टेशन पे जाने के बाद मेरे को ऐसा लगता था बस ये लास्ट है, अब हम सीधे डायरेक्ट अहमदाबाद चले जाएंगे। पर जब जब हम जो जो स्टेशन पे पहुंच रहे थे तो मेरे को ऐसा लगता था यार एक और ट्राई मान देते। और ये सब इसके लिए था क्योंकि जब हम नडियाद घर पे पहुंचे ना, तो बच्चे मेरे बहुत रोए कि हमको जाना ही है, ठीक है, तो हम सोचे कि यार ये तो रो रहे हैं, हम तो रो भी नहीं पा रहे हैं, हमको भी तो जाना है। फिर हम वो ट्रेन में चढ़ गए, गरीब वाले ट्रेन में। फिर वहाँ पर कुछ लड़के थे बहुत ही अच्छे, उन लोगों ने मेरे को अपनी जगह दे दी बैठने की, तो फिर हम बच्चों के साथ बैठ गए और वो लोग बेचारे चार पांच लड़के थे वो एक ही सीट में बैठे बेचारे मेरे वजह से। फिर हम उसको फिर वापस से हुआ ये कि दूसरे दुरंतो वाले से मेरा कोऑर्डिनेट चल रहा था टीटी के साथ भी, टीटी के साथ भी और वो लड़की श्वेता के साथ भी। तो हम लोग ने लाइव लोकेशन अपने शेयर किया, तो हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो आगे पीछे ही है। तो फिर आगे पीछे है तो हमको समझ में आया कि सूरत में जाके जो हमारी ट्रेन रुकने वाली है वो आगे पीछे ही रुकेगी। बस हम प्रे कर रहे थे कि वो एक ही प्लेटफॉर्म पे रुके कि हमको ट्रेन पकड़ने में इजी हो जाए, और स्टॉप वहां पर सिर्फ 1 मिनट का था मेरे ट्रेन का भी और उसके ट्रेन का भी। तो उसकी ट्रेन तो आके रुकी हुई थी और मेरी ट्रेन आई, तो वो लड़के को हम बोले थे कि आप मेरी हेल्प करोगे क्या, अगर आपको मेरा ट्रेन दिखे ना, तो अगर मेरा ट्रेन रुका हो ना तो प्लीज सिर्फ मेरे को बैठा देना। तो वो लड़का बोला ठीक है। तो जब भी स्टेशन आने वाली थी ना सूरत, तो वो लड़का बाहर ही खड़ा हुआ था और चेक कर रहा था कि दुरंतो खड़ी है या नहीं। उसको दिख गई, वो फटाफट आया, मेरी ट्रेन रुकने से पहले ही वो आया और वो मेरा बैग लिया, बोले आपकी ट्रेन रुकी हुई है फटाफट चलो। कौन से प्लेटफॉर्म में थी तेरी और वो वाली ट्रेन? मेरी 2 में थी और दुरंतो थी 3 में, ठीक है, तो दोनों साथ साथ में लगी होती। हाँ बिल्कुल। तो बस मेरी ट्रेन रुकी भी नहीं थी ठीक से, वो मेरे को उतारा और हम बच्चों को लेके भागे, वो मेरा बैग लेके भागा और वो वाली ट्रेन बस चलने ही लगी थी और उसने मेरे को बोला 3rd B में बैठ जाओ, मेरा 4th B था, तो वो मेरे को बिठा दिया। फिर हम बॉगी से बॉगी बॉगी करके उस तरफ वाले बॉगी में अपने बॉगी में पहुंचे। तो जैसे हम पहुंचे ना, तो वो जो लड़की थी ना श्वेता, जो मेरे को इतने टाइम से कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो वो वड़ा पाव लेके ऊपर आ रही थी। हम उसको देखे, हम बोले श्वेता मैं आ गई, वो इतनी खुश हो गई, इतना हल्ला हुआ पूरे ट्रेन में, सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतने खुश हो गए मेरे को देखकर, बच्चों को देखकर। बोले यार तुम में बहुत हिम्मत है यार, तुम में तो जब भी मेट पार्ट 2 बनेगी। और वो तीनों टीटी आए मेरे से स्पेशली मिलने, आगे मेरे को बोले पर आप उतरे क्यों, आपके चक्कर में ये लोग मेरे से चेन खिंचवा रहे हर 2 मिनट में, 2 मिनट रुक जा मैं थोड़ी चला रहा हूँ ट्रेन, ये हर 2 मिनट में बोलती है प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट, बेचारी बहुत दूर से आ रही, प्लीज बहुत दूर से, ऐसा कौन बोलता है ट्रेन वालों को, मैं क्या कर सकता। अरे इतना सीन हुआ यार। और फिर फाइनली तुम कब पहुंची पुणे? रात के 10 बजे। एंड हाउ यू फेल्ट विद 2 kids, वो भी एकदम तूफानी बच्चे? एकदम रिलैक्स। ओके बहुत मजा आया मेरे को, एकदम एडवेंचर वाला ट्रिप था मेरा।